महिला खिलाड़ी आज खेलों की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाने में सफल रही हैं। बॉक्सिंग खेल में एमसी मैरी कॉम ने देश के लिए खूब नाम कमाया है। इसको देखते हुए खेल में आई महिलाओं ने भी देश के लिए काफी मेडल जीते और देश का नाम रोशन किया। सामान्य परिवार से होने के बावजूद इन महिलाओं ने कुछ ऐसा किया कि अब कई लड़कियां इनके जैसा बनना चाहती हैं। वाराणसी में भी एमसी मैरी कॉम की तरह एक ऐसी खिलाड़ी है जो समाज के मिथक को तोड़ते हुए अपनी मेहनत के बल पर बॉक्सिंग रिंग में अच्छे अच्छे पुरुष खिलाड़ियों को धूल चटा रही है। ज्योति अपने मुक्के की ताकत से 5 बार स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, राज्य में बेस्ट बॉक्सर, बेस्ट प्रॉमिसिंग खिलाड़ी के साथ साथ 2 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मेडल जीतकर अपने गांव और अपने शहर का नाम रोशन कर चुकी हैं। ज्योति का हौसला देख अब कई लड़कियां इस खेल में अपना दमखम दिखाना चाहती हैं। मेरा नाम ज्योति पांडे है। ज्योति, ये बताओ कहां तक तुमने अभी तक खेला है? जी, नेशनल लेवल में मेरा मेडल है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल है। अच्छा, कितने साल से तुम खेल रही हो यहां पे? 2009 से। क्या इच्छा जाहिर हुई तुम्हें कि ये बॉक्सिंग तुमने चुना? सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा। बॉक्सिंग में सेल्फ डिफेंस के लिए आए थे। एक मिनट फिट कीजिए। ज्योति के कोच दिलीप सिंह की माने तो ज्योति वाराणसी की पहली महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी है जिसने स्टेट के साथ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। ज्योति के कोच दिलीप सिंह का कहना है कि ज्योति स्टेडियम में सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग सीखने आई थी, लेकिन ज्योति के मेहनत को देखते हुए कई अभिभावक अपनी बेटियों को इस खेल में भेज रहे हैं। इस बच्ची के विषय में बहुत ज्यादा ना बोलते हुए बस ये कहता हूँ कि जितनी लगन इस बच्ची के अंदर है और पहले से शुरू से जब आई थी तब से है, उतनी लगन अगर हमारे बच्चों के अंदर, जो लड़के हैं आज के लड़के, उनके अंदर आ जाए तो लड़के ओलंपिक तक खेल लेंगे। जिस लगन, जिस निष्ठा से इसने प्रैक्टिस चालू की थी, एक भी लड़कियां नहीं थी यहां पे, और लड़कों के साथ बाउट करके ये लगातार 6 साल, मतलब 2009 में ये बॉक्सिंग में आई, 2010 से लगातार ये स्टेट चैंपियनशिप अपने चैंपियन रही है स्टेट में, और 2012 में नेशनल में मेडल दिया, 2013 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल दिया, फिर 2017 में भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल दिया, और बहुत सारे टूर्नामेंट इसने नेशनल लेवल के खेले। और एक चीज़ ये रहा कि कभी ये रुकी नहीं, थकी नहीं, कोई कुछ बोला कुछ उससे कोई मतलब नहीं, अपना काम करना, लड़कों के साथ बाउट करना, इसका देख ही देखा 2012 के बाद से बहुत सारी लड़कियां बॉक्सिंग में आई हमारे यहाँ, तो बहुत सारी बच्चियां कर भी रही हैं और कई बच्चों का कल्याण भी हुआ है। काफ़ी बच्चे आर्मी में और रेलवे में ऐसे स्पोर्ट्स कोटा से जा चुके हैं बॉक्सिंग से। आपको बता दें कि वाराणसी के रमना गाँव की रहने वाली ज्योति पांडे की 5 बहनें हैं जिनमें ज्योति अपनी बहनों में सबसे बड़ी हैं। ज्योति के पिता किसान हैं और माता घर में कामकाज करती हैं। साथ ही ज्योति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से BPED की पढ़ाई भी कर रही हैं। जाहिर है कि इन महिलाओं ने सामाजिक सोच से हटकर एक अलग काम किया है और पुरुषों की रची गई दुनिया में महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया है। वाराणसी से काशीनाथ, पंजाब केसरी TV।